हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानसी जैन, जीएस फैकल्टी विद्युत लाइस अकेडमी शामली। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने नदियों वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। कुछ एक क्विज टाइप हमने किया था, ताकि जो भी हम क्लास में कर रहे हैं हम देख सकें कि हम उसमें से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और कुछ नए क्वेश्चन भी हमें मिले। तो चलिए, आज हम भारत के पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, क्विज जो है, वो सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी हम 50 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करेंगे, और देखते हैं, आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको ये भी फील होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वहाँ से आप कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है भारत की। तो ऑप्शन देखो आप, अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मेघालय। तो नो डाउट इसका आंसर क्या है, हिमालय। नेक्स्ट इज, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। मैंने आपको बताया था किसी भी पर्वत के चार प्रकार होते हैं, तो उसमें से जो जो उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार होते हैं, जैसे हमने देखा था वलित, ब्लॉक, अवशेष, ज्वालामुखी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का है। सो नो डाउट वलित प्रकार का। थर्ड देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आपको क्वेश्चन को दो बार तीन बार पढ़ना है, जब तक कि आप क्वेश्चन की सेंस को नहीं समझ पाएँ। ठीक है, तो ये है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम किस पे जाएंगे, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2। भारत में हिमालय की, अब देखो उसने हिमालय की पूछा है, जो गॉडविन ऑस्टिन या K2 है वो हिमालय पर नहीं, काराकोरम पर है। अब ये हिमालय की बोल रहा है, तो हिमालय की कौन होगी, कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नवीनतम यानी जो सबसे नई बनी है। क्या अरावली पे निशान लगाओगे, नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, हिमालय। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो इसमें देखो आप कौन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें K2 नहीं है ऑप्शन में, तो हम नो डाउट कंचनजंगा लगाएंगे। हिमालय की पर्वत चोटी असम में है। अब देखो असम में कौन सी पर्वत चोटी है। अब आप यहाँ पे देखो कि आप धौलागिरी लिखाओगे, कंचनजंगा, नंदा देवी, इन सबके बारे में तो आप जानते हो कि कहाँ है। आपने ये नामचा 12वें नाम नहीं सुना है, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, असम में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई, तो हमने किया था बड़े अच्छे से 33। हिमालय के पाद प्रदेश, इसमें देखो पाद प्रदेश को इंग्लिश में दिया हुआ है फुट हिल्स, यानी हिमालय का जो बिल्कुल फुट है, पैर है, उसको क्या कहते हैं, शिवालिक। नंदा देवी स्थित है, तो ध्यान रखिएगा नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो देवताओं के स्थल हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, ये सारे के कौन से हिमालय में है, ग्रेट या महान हिमालय में। अब इसमें इन्होंने हमें दिया हुआ है ट्रांस, हिमाद्री, मध्य या कुमाऊँ। और कुमाऊँ जो है, जब मैंने आपको बताया था कि कुमाऊँ उत्तराखंड में होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कुमाऊँ जो है ये ज़्यादा ऊंचा है पंजाब कश्मीर हिमालय से भी। तो बद्रीनाथ आपको कहाँ मिलेगा, कुमाऊँ हिमालय में। अब देखिए ये सूची एक को सूची दो से मैच करना है। सूची एक में ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, पंजाब हिमालय या कुमाऊँ या नेपाल या असम हिमालय, ये कौन सी नदी से किस नदी तक है। तो देखो पंजाब हिमालय सबसे पहले शुरू हो रहा था सिंधु और सतलुज, यानी ए के साथ तीन मैच होगा। इधर देख लो, ए के साथ तीन वाले केवल ऊपर वाले दो ए और बी ऑप्शन में हैं। उसके बाद देखो कुमाऊँ, तो हम सतलुज से आगे चलेंगे, तो सतलुज से काली यानी बी के साथ होगा एक, यानी इन दोनों में हम दो से ही हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है। हिमालय में हिमरेखा, हिमरेखा का मतलब है ज़्यादातर जो स्नो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। नेक्स्ट देखिए, चोटी संसार की दूसरी, संसार की दूसरी ऊंची कौन है, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। कितनी है इसकी ऊंचाई, 8611 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, 15th क्वेश्चन हमारा है, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। कराकोरम आपको ध्यान आ रहा है, कराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो कि सबसे ऊपर ऊपर है। तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है कृष्णागिरी। आप इसको लिख लेना, नोट्स में भी ऐड कर लेना, काराकोरम का पुराना नाम क्या है, कृष्णागिरी। नेक्स्ट इज, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी लंबी घाटियों को किस। तो हिमालय क्षेत्र की जो घाटियां हैं उन्हें दून कहते हैं। अगला देखो,
लघु हिमालय श्रेणी के जो ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, एसएससी में आ चुका है एक दो बार। तो जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को कहते हैं मर्ग। नोट कर लेना, अगेन कह रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान जो कि उत्तराखंड, पहले उसने पूछा कश्मीर, अब पूछ रहा उत्तराखंड में क्या कहते हैं, तो उत्तराखंड में इनको कहते हैं बुग्याल या पयार। नेक्स्ट इज, सतलुज व काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलुज और काली, तो अब आप इसको ध्यान से कीजिएगा, सिंधु से सतलुज, सतलुज से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, इस तरह से चार बंटवारे में है। तो सतलुज से काली तक को कहते हैं कुमायूं। अब ये कह रहे हैं काली से तिस्ता, सतलुज से काली, काली से तिस्ता, काली से तिस्ता आता है नेपाल वाला क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी गलती से प्रेस हुआ, ये जल्दी से पूछता है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? नो डाउट इसका आंसर क्या है, माउंट एवरेस्ट। आगे देखेंगे, कहता है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा 1953 में किया गया था। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी बताइए कहाँ पर है? मैंने आपको बताया उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जो हिमालय होता है उसको क्या कहते हैं? कुमाऊ हिमालय। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी को अराकान योमा कहते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा ये म्यांमार की है, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाओ। तो जब हम इसे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाएंगे, तो देखो आप इसको याद ध्यान भी दीजिए, हमने सबसे ऊपर करा था काराकोरम, फिर हमने करा था लद्दाख, फिर जैसलमेर, तो देखो इसमें एक ही ऑप्शन बैठ रही है, 3, 4, 1। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, भारत की ऑप्शन में देख लो, अब गॉडविन ऑस्टिन भी है, कंचनजंगा भी है, तो हम गॉडविन ऑस्टिन ही लगाएंगे। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, कुल्लू घाटी पूछ रहा है, तो जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है, याद कर लेना, आ जाता है ये क्वेश्चन कई बार। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो देखो ये कुछ एज पीरियड दिए होते हैं कि कौन सा पर्वत कौन से एज में बना है, कौन से एरा कौन से युग में बना है, तो उसे बोलते हैं सेनोजोइक, इसे वैसे ही याद कर लीजिएगा आप, सेनोजोइक। हिमालय का दूसरा ऊंचा पर्वत कंचनजंगा किस राज्य में? तो कंचनजंगा कहाँ पर है भाई? सिक्किम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये टिक हो जाता है अभी भी द्वारा, टिक हो गया ये जल्दी से। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीन कौन सी है भाई? अरावली, ये ग्रीन वाला आंसर है, ठीक है, अरावली। नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य है? तो केवल एक राज्य में तो अजंता है, महाराष्ट्र में फैली हुई है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत है अरावली, अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट जो है ना वो एक भ्रंश कगार है, इसको याद रखिएगा। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट जो हमने, पश्चिमी घाट जो हमने भारत के महाराष्ट्र साइड देखा था, वो एक भ्रंश कगार है। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो अन्नाईमुड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? सबसे दक्षिण में तो आपको ध्यान होगा मैंने कार्डामम बताया था, यहाँ पे कार्डामम लिखा हुआ है, कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ियाँ जिसपे मसाले ज़्यादा होते हैं केरल में, सो दैट इज़ कार्डामम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च, तो मैंने आपको बताया था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली तीन, तो ये ध्यान रखिएगा खासी पटकोई और ये अराकन योमा है। अब ये कहता है कि इन्हें लगाओ, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है,
बट स्टिल जो इसका आंसर, क्योंकि महादेव जो है वो पूरी तरह से एमपी में है, सतपुड़ा बाद में आती है, हमने महादेव को नीचे ड्रॉ करा था, बट ये विंध्याचल महादेव सतपुड़ा इस तरह से आती है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा, सतपुड़ा, फिर महादेव और फिर सहयात्री। लेकिन सतपुड़ा इसमें दिया नहीं हुआ है, तो सतपुड़ा से हिसाब से तो 3 नंबर उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सहयात्री भी नहीं आ सकता, तो पहले महादेव फिर सतपुड़ा, यानी 1 3 2 महादेव सतपुड़ा सहयात्री। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, ये याद रखिएगा आप। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ हमने देखा था विंध्याचल सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तो इसमें से विंध्याचल या सतपुड़ा। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल की। ओ, इसका आंसर है सतपुड़ा। आपको ध्यान रखना है धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं, अरावली राजस्थान में। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी तो मैं कई बार कर चुकी हूँ, अभी भी हम कई बार देख चुके हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन पर्वतों से रिलेटेड कंप्लीट हुए हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ नए क्वेश्चन भी इस वीडियो से सीखे होंगे, जैसे छोटे छोटे घास के मैदान जो हमने देखा, मर्ग है या बुग्याल और पयार है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट करके रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसी तरह से हम 50-50 क्वेश्चन के, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन करेंगे, सो दैट हमारे टॉपिक जो है वो फाइनल टच में भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच।